भारतीय सेना ने जो है जवानों के लिए कितनी अच्छी स्कीम लॉन्च की हुई है, जिसको अधिकतर जवानों को पता ही नहीं है इस स्कीम के बारे में। इस चैनल पर इस तरह की स्कीम और वेलफेयर की जानकारी के लिए जो है इस वीडियो को शेयर करें और सभी जवानों तक इसको पहुंचाएं। आपका जो AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में 2,500 रुपए कटता है, वो पेंशन जाने पर थोड़े से ब्याज के साथ वापस मिलता है आपको। वो पैसा आप ऑन सर्विस भी निकाल सकते हो। आज उसका ये फॉर्म है कैसे फिल करना है और इसकी जानकारी जो है आपको बताई जाएगी। ये देखिए जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है उसका ये लेटर नंबर है, इसमें से 90% तक पैसे जो है आप ऑन सर्विस निकाल सकते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए। ये वो फार्म है, कोई 2 पेज का फार्म है, बहुत बड़ा फार्म नहीं है, कोई विशेष डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगेंगे। आप सबको पता है कि AGIF का पैसा है वो रिटायरमेंट पर मिलता है और उसमें ब्याज भी कम मिलता है। इसमें देखिए ये फॉर्म है जिसको आपको भर के भेजने से जितना आपका फंड कटा है उसका 90% तक आप निकाल सकते हो। इसमें देखिए पहले जो है लिखा है जो पर्सनल नंबर, जो भी है JC आर्मी नंबर आपने अपना लिखना है, उसके बाद रैंक और नेम लिख देना है, रेजिमेंट कोर, डेट ऑफ एनरोलमेंट। इसमें देखिए एक चीज और है कि 15 साल से जो है ऊपर की सर्विस वाले को ही मिलेगा, यानी 15 ईयर से कम सर्विस वाला ये पैसा नहीं निकाल सकता है। डेट ऑफ एनरोलमेंट के बाद बर्थ की डेट, ये सेल्फ की भरनी है सारी। डेट ऑफ कमीशन, टोटल सर्विस इन आर्मी, और नहीं है तो उसको डैश मार देना। और उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट इन प्रेजेंट रैंक, जो आपके जैसे हवलदार है तो जितनी सर्विस आपके पास बची है, प्रमोशन अलग चीज है। उसके बाद में जिसके लिए आप पैसा निकाल रहे हो वो डिटेल आपने यहां पर भरना है। नेम ऑफ वार्ड विद बर्थ, जो है किसके लिए पैसा ले रहे हो, अगर एक बच्चा है तो यहां, दूसरा है तो तीसरे के लिए ले रहे, तो तीनों का नाम, उनका पार्ट ऑर्डर के नंबर यहां लिखने हैं। उसके बाद कॉपी अटैच करनी है उसकी। प्रेजेंट स्टडिंग, किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो है। नेम एंड एड्रेस, कॉलेज इंस्टीट्यूट की डिटेल्स लिखनी है। और उसके बाद में ये नीचे देखिए यहां पर 10 नंबर में है एलिजिबिलिटी, जो है एलिजिबल पेबल अमाउंट अप टू, ये कितना है इसमें। ये आपको नहीं पता तो उसको खाली छोड़ दिए, वो अपने आप भरेंगे। अमाउंट ऑफ विड्रॉल रिक्वायर्ड, जितना आप अमाउंट यहां भरेंगे उस हिसाब से वो वहां पर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपको ये देंगे। ये जो फॉर्म आप देख रहे हो पहला पेज है, इसके बाद जो दूसरा पेज है वो ये है आपका, जिसमें आपको पैसा चाहिए। डिटेल ऑफ बैंक, पिन कोड के साथ, IFSC अकाउंट, उसके बाद एग्जिस्टिंग AGIF लोन, यानी अगर आपने कोई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से होम लोन, कन्वियंस लोन, कंप्यूटर लोन या कोई भी किसी टाइप का लोन लिया है तो वहां यहां पर उसको मेंशन करना है। उसके बाद में ये देखिए यहां नीचे जो है आपने साइन करने हैं सिर्फ अपने, और उसके बाद में नीचे जो आपका OC है वो साइन कर देगा, CO है, और जो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगेंगे वो यहां पर मेंशन किए हुए हैं। इफ यू विड्रॉल मनी फ्रॉम मेच्योरिटी इट विल रिड्यूस फ्रॉम अल्टीमेट सेविंग अकाउंट, यानी कि जो पैसा आप निकालेंगे वो पेंशन जाते समय जब है उतना, मतलब आपका अगर 5 लाख रुपए बन रहा है तो 3 लाख आप अभी निकाल लेंगे तो जो है 2 ही लाख रुपए लास्ट में मिलता है। इसके बाद में देखिए बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, बच्चों का पार्ट ऑर्डर लगेगा, फीस की रिसिप्ट लगेगी, कैंसल चेक लगेगा, उसके बाद लेटेस्ट पे स्लिप लगेगी जिसकी भी होगी, और बोनेफाइड सर्टिफिकेट एक स्कूल से बनता है वो इसके साथ लगेगा। बस इतने से डॉक्यूमेंट पे जो है आप AGIF का 90% तक आप ले सकते हैं ऑन सर्विस। जिसकी भी 15 साल सर्विस कंप्लीट है वो ये पैसा ले सकता है और अच्छा इंटरेस्ट पा सकता है। जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों को इसके बारे में पता लग जाए। धन्यवाद।